वेलकम टू स्पेशल एपिसोड ऑफ सिंह ऑटोजोन। दोस्तों, क्या आपको थोड़ा सा आइडिया है कि जो भी लिथियम आयन बैटरीज बन रही है इसका ग्लोबली इसका क्या प्राइस रहता है? अगर हम बात करें कि पर की जो लिथियम आयन बैटरी जो पावर है पर किलो किलोवाट आवर में ले जाती है, तो क्या हमें आपको आइडिया है कि ग्लोबली पर किलोवाट कितने डॉलर का खर्चा आता है इसको बनाने में? अगर हम इंडिया में बात करें तो पर किलोवाट आज की डेट में क्या खर्चा आ रहा है? बिल्कुल दोस्तों, वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तो बिल्कुल ये लिथियम आयन बैटरीज उसका एक बहुत बड़ा मेन पार्ट है, तो इंपोर्टेंट होने वाली वीडियो बने रही वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से और वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। पहले हम ग्लोबली बात कर लेते हैं। मेरे पास आज कुछ डाटा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों, तकरीबन 2010 के बाद जब मास के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनने लगी, उस टाइम जो इन लिथियम आयन बैटरीज का प्राइस था ग्लोबली, मैं डॉलर्स में बात करूंगा, उसके बाद लास्ट में इंडिया में रुपीज में बात करूंगा, उस टाइम ग्लोबली तकरीबन 1000 पर किलोवाट आवर जो लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट पड़ रही थी, जो कि ज्यादा थी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बट आस्ते आस्ते इन पर काम होता, R&D करके R&D चलती रही, डेवलपमेंट होती रही और ज्यादा नए मॉडल मार्केट में आते रहे। बिल्कुल ज्यादा जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसका प्राइस कम होता है बिल्कुल, बाकी टेक्नोलॉजी में भी फर्क पड़ता है, डे बडे काफी फर्क पड़ा। आज की डेट में हम लिथियम एयर बैट की बात कर रहे हैं, लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरीज की बात कर रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद आस्ते आस्ते हम आगे मैं बात करता हूं आपके साथ 2017 की। 2017 में आते आते तकरीबन $205 पर किलोवाट आवर इन बैटरीज का प्राइस रह गया था। और हम उसके बाद बात कर रहे हैं आज की करंट की, हमें तो आज से मतलब है। मॉडल 3 जो टेस्ला का है उसका दोस्तों जो बैटरी पैक आ रहा है उसकी जो प्राइस आज की डेट में पड़ रही है वो है तकरीबन, आप थोड़ा गैस लगाइए कितना हो सकता है, नेचुरली 205 से कम होगा बिल्कुल, $190 पर किलोवाट आवर उस जो मॉडल 3 का बैटरी पैक है उसकी कॉस्टिंग आज की डेट में पड़ रही है। दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी लिथियम बैटरीज की जो बड़े बड़े प्लांट है उनको गीगा प्लांट्स कहा जाता है या उनको गीगा फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि उनकी जो कैपेसिटी है उसको नापा जाता है गीगावाट आवर में। 1 GW इज इक्वल टू 1 million ऐसे घरों को सप्लाई, हम जो एक घंटे के लिए जो सप्लाई चाहिए 1 million घरों को, 1 million मीन्स 10 लाख, मीन्स एक घंटे के लिए अगर 10 लाख घरों को जो सप्लाई चाहिए उसको 1 GW बोलते हैं। उसी के हिसाब से इन लिथियम बैटरी जो प्लांट है उनकी जो फैक्ट्रीज है उसकी कैपेसिटी को नापा जाता है। और तकरीबन आज की डेट में तकरीबन जो वर्ल्ड वाइड की हम बात करें तो ग्लोबली तकरीबन 100 GW के आसपास कैपेसिटी इन लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन हो रही है, और जिसको तकरीबन माना जा रहा है कि 2021 के आते आते ये तकरीबन 3 गुना यानी कि 280 GW के हिसाब से इसकी कैपेसिटी को बढ़ जाएगी तब तक, क्योंकि इस पर काफी और नई नई फैक्ट्रीज लग रही है बिल्कुल। अभी हाल में जो टेस्ला ने इन्वेस्ट किया था चाइना में, जो अपना वहां पर गीगा फैक्ट्रीज और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चर जिनका टेस्ला ब्रांड है उसको, उसके लिए तकरीबन $5 billion बिल्कुल दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट है चाइना में इन्वेस्ट किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया में रिक्वायरमेंट क्या है लिथियम आयन बैटरीज की, उसके लिए मैं कुछ डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इंडिया में आज की डेट में 3.5 लाख टन लिथियम आयन बैटरीज एनुअली यहां पर इंपोर्ट की जा रही है, जो कि ज्यादातर चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और USA यहां से इंपोर्ट किया जाता है इसको इंडिया के लिए। अब दोस्तों इसके अलावा और जो इंडिया में आपको शेयर करता हूं आपके साथ बात, जो इंडिया में फर्स्ट जो पहली बार जो लिथियम बैटरीज आई थी वो सोनी कंपनी लेकर आई थी, जो अपने स्मार्टफोन थे, आज तो नो डाउट सोनी चल नहीं रहा, बट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फोन थे सोनी के जो उसमें लिथियम आयन बैटरीज यूज हो रही थी वो फर्स्ट टाइम जो थी इंडिया में वो 1991 की बात है दोस्तों, तब से लेकर आज तक तकरीबन 33 billion लिथियम आयन बैटरीज ये छोटी छोटी जैसे फोन की या किसी भी यहां यूज हो रही है आज तक इंडिया इंपोर्ट कर चुका है। और करंटली आप जैसे सब जानते हैं, मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है कि जो इस टाइम मास मार्केट वर्ल्ड की नंबर वन इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल बसेस की बात करें, लिथियम आयन बैटरीज की जो गीगा फैक्ट्रीज है, तो चाइना उसमें नंबर वन है, वर्ल्ड की नंबर वन इस टाइम करंट जो है नंबर वन जो है वो चाइना ही है इसमें, उसके बाद USA का नंबर आता है। 2017 में इंडिया ने तकरीबन $150 million के हिसाब से इंपोर्ट किया था इन लिथियम आयन बैटरीज को, मीन्स आप समझ सकते हो कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है इन चीजों को मंगाने पर इंपोर्ट करने में। इसीलिए इंडिया में भी जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई इंडिया में भी इस चीज को बनाया जाए ताकि जो ओवरऑल जो अफोर्डेबिलिटी है लिथियम आयन बैटरीज की इसको कम किया जाए। तो बिल्कुल दोस्तों इसके लिए ऑलरेडी एक प्लांट तो लग चुका है तमिलनाडु में, रासी सोलर पावर ने एक वहां की गवर्नमेंट और एक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर एक प्लांट लगाया है, वो छोटा है बट नो डाउट वहां पर उसकी जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद जो मेन सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है
गुजरात एक ऐसी हब रहेगा जहां पर इस तरह की दो तीन फैक्ट्रीज लगने वाली, जो इस टाइम जो सबसे ज्यादा जिस पर काम चल रहा है जो ऑलरेडी प्रोसेस में वो है मारुति सुजुकी तोशिबा और जो टोयोटा की सब पार्ट है डेंसो, ये तीनों मिलकर गुजरात में लिथियम एंड बैटरीज पैक वहां पर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, प्लांट चल रहा है। 2020 आते आते उनके अपने मेड इन इंडिया लिथियम बैटरीज अवेलेबल होगी इंडिया में। इसीलिए आप कभी सोचते होंगे कि यार के मारुति इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में इतना पीछे क्यों रह गया, उसका रीजन यही था कि उसका मानना था शुरू से कि भाई जब तक मेड इन इंडिया लिथियम बैटरीज नहीं होगी, मेड इन इंडिया अदर इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट नहीं होंगे, वो एक अफोर्डेबल गाड़ी विद एक अच्छी रेंज की गाड़ी एक अच्छे प्राइस में वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। इसीलिए बिल्कुल महिंद्रा या टाटा से लेट, आप देख रहे होंगे महिंद्रा टाटा की गाड़ी की रेंज क्या है प्राइस क्या है, इस तरह की गाड़ी मारुति कभी नहीं चाह रही थी, इसलिए थोड़ा सा लेट है। बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, इसीलिए जो अपडेट बार बार निकल कर आ रहे हैं मारुति वैगनआर के, जो मारुति की फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कार है, और सबसे बड़ी बात के मारुति और टोयोटा दोनों मिलकर इस सेगमेंट में आए हैं और आपस में एक दूसरे का इन्होंने जो प्लेटफॉर्म है वो भी शेयर कर रहे हैं, दूसरे की टेक्नोलॉजी है वो भी शेयर कर रहे हैं। उसका फायदा क्या होगा, हमें होगा, नो डाउट कंपनीज को होगा, बट उसका फायदा हमें ज्यादा होने वाला है क्योंकि एक अफोर्डेबल गुड रेंज की गाड़ी एक अच्छे प्राइस में मिलने वाली है। बिल्कुल दोस्तों मारुति वैगनआर बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ उसके 8-8.5 लाख का मुझे आइडिया था, बट आते आते अब जो उसका जो अपडेट निकल कर यह है कि भाई 7 लाख में आपको गाड़ी बेस मॉडल मिल जाएगा और उसकी रेंज भी 200+ मिलेगी जो कि अच्छी, वो इसीलिए हो पाएगी क्योंकि मेड इन इंडिया लिथियम बैटरी अवेलेबल हो जाएगी तब तक। और तकरीबन अगर हम आज की डेट बात करें तो मारुति का थोड़ा सा हमें उनका कहना कि भाई तकरीबन ये 11-12 हज़ार पर किलोवाट के हिसाब से, पर किलोवाट के हिसाब से जो इन लिथियम बैटरीज की जो प्राइसिंग रहेगी, जो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगी वो तकरीबन 12 हज़ार के आसपास पर किलोवाट के आसपास इंडिया में रहने वाली है। आस्ते आस्ते जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो ये प्राइस और भी कम आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।